यस, अब एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसके आप समझ लें ज्यादा बेहतर है, कोई लिखना बहुत जरूरी नहीं है। द टर्म इज ग्लैंड्स। जब हम कभी ग्लैंड्स आपसे कहा करेंगे तो इसके साथ एक शब्द जुड़ा रहेगा, दैट इज सिक्रीशन। जब आप ग्लैंड कहेंगे तो वहां से सिक्रीशन जरूर होगा। कोई ऐसी ग्लैंड आप बताएं जहां से सिक्रीशन ना होता हो? ऐसा नहीं है। तो ग्लैंड के हमारे पास दो बड़े कॉमन से नाम हैं। ये नाम आपके रास्ते में आए होंगे कभी, इसे सुने ध्यान से। एक कहलाता है एक्सोक्राइन और एक कहलाता है एंडोक्राइन। क्योंकि हमें चाहिए तो इस बात को समझना है कि एंडोक्राइन कहते किसको हैं। लेकिन एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड की एक बहुत पुरानी डेफिनेशन है, आज भी हम उसी पे कायम है। जब भी आप कहीं एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा करोगे तो सर एक ग्लैंड बनाओगे और ग्लैंड के साथ एक डक्ट बनाओगे। ये कंपल्सरी कि ग्लैंड होना चाहिए और डक्ट होना चाहिए। थिंक अबाउट द सलाइवरी ग्लैंड, तो वही कहलाती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। इट्स ओके। देन एंडोक्राइन ग्लैंड अगर आप देखें तो जहां आप एक ग्लैंड बनाओगे इस जगह पे, इसके अगल बगल कोई डक्ट नहीं पाई जाएगी, बल्कि इसके अगल बगल कुछ ब्लड वेसल्स पाई जाती है। तो ये ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो अपना सिक्रीशन सर किसी नली के रास्ते नहीं निकालती, एंड दे डायरेक्टली रिलीज देयर सिक्रीशन इनटू द ब्लड। यही कहलाती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। इसलिए कहीं कहीं लिखा जाता है ये डक्टलेस ग्लैंड कहलाती हैं। नलिका विहीन ग्रंथियां इसलिए कहते हैं। वो नलिका मतलब डक्ट से है, तो यहां पे सिक्रीशन के लिए कोई डक्ट नहीं पाया जाता। ठीक। अब एक और शब्द है यहां पर, दैट इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रो वर्ड कभी आप लगाते हो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो ये ऐसी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, हेट्रोक्राइन जब भी आप पढ़ेंगे यू मस्ट रीड द सम इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें इंडोक्राइन के अलावा सम अदर फंक्शन, कुछ और काम होता होगा सर, उसी को नाम देते हैं हम लोग, दैट इज हेट्रोक्राइन। कोई भी और काम करते हो, जैसे जब हम इंडोक्राइन कहते हैं तो यहां पर एग्जाम्पल में हम ऐसी ग्लैंड लिखा करते हैं जो सिर्फ इंडोक्राइन हो, जैसे पिट्यूटरी, यह जैसे थायराइड। आप ध्यान से देखिए तो इनका हार्मोन से ही इनकी पहचान है, इसके अलावा और कोई काम है ही नहीं। लेकिन कोई ऐसी ग्लैंड इमेजिन करिए जहां पर हार्मोन सिक्रीशन के अलावा कुछ और भी काम होता हो, जैसे थिंक अबाउट द टेस्टिस। सर ये हार्मोन तो निकलता ही होगा टेस्टोस्टेरोन, लेकिन सर गैमेट फॉर्मेशन भी तो करता है। अगर टेस्टिस लिखेंगे तो ओवरी भी लिखेंगे, ये भी हेट्रोक्राइन होगी, तो सर पैंक्रियाज भी लिखिए। यानी यहां पर एंडोक्राइन के अलावा कुछ और फंक्शन भी पाया जा रहा है, टेस्टिस, ओवरी एंड पैंक्रियाज। तो जब आप हेट्रोक्राइन कहा करेंगे, दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड हैविंग द सम अदर फंक्शन, कुछ और जरूर होगा। ऐसे एक तीसरा नाम भी, चौथा नाम भी आता है, मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड आर हेट्रोक्राइन ग्लैंड, आर टाइप ऑफ हेट्रोक्राइन। एक हेट्रोक्राइन का टाइप है, कैसा टाइप है? ऐसा टाइप है जहां एंडोक्राइन तो फंक्शन होगा ही, लेकिन एक्सोक्राइन फंक्शन भी होगा। यानी कुछ अदर फंक्शन जो हमने कहा है वो फंक्शन यहां डिफाइन कर दिया कि भाई एक्सो है फंक्शन। तो इसका मतलब दुनिया में जितनी भी मिक्स ग्लैंड होती हैं, दे आर टाइप ऑफ हेट्रोक्राइन, बट ऑल द हेट्रोक्राइन आर नॉट मिक्स्ड। क्योंकि एंडो और एक्सो के एग्जांपल में तो पैंक्रियाज आएगा, लेकिन यहां टेस्टिस नहीं आ पाएगा। टेस्टिस प्योर हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, वो मिक्स नहीं कहला सकती, लेकिन पैंक्रियाज हेट्रोक्राइन एज वेल एज मिक्स दोनों कहलाती है। अगर आप मिक्स कहोगे तो हेट्रोक्राइन है उसमें,
इसलिए जब कभी कोई पूछता है पैंक्रियास क्या है, तो कुछ बच्चा आंसर हेट्रोक्राइन कहता है, कुछ मिक्स कहता है, और कहीं डरा दो उसको, अबे इन दोनों में क्या है, तो पता नहीं क्या है सर, ये दोनों अलग अलग सा समझने लगता है। जबकि अगर आपने मिक्स कह दिया तो हेट्रोक्राइन ऑलरेडी हो गई। अगर मैं सिर्फ हेट्रोक्राइन कहूंगा तो अब मुझे बताना पड़ेगा हेट्रोक्राइन मिक्सड है या सिर्फ हेट्रोक्राइन है। तो टेस्टिस और ओवरी भी हेट्रोक्राइन है, लेकिन ये मिक्स नहीं हो सकती, ये मिक्स है। यानी समरी रही कि ऑल द मिक्स ग्लैंड आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोक्राइन, बट ऑल द हेट्रोक्राइन आर नॉट द मिक्स ग्लैंड। तो आप डिफरेंस याद रखिएगा इनमें, क्योंकि हम इन्हीं तीन तरह के ग्लैंड का जिक्र कर पाएंगे इस केमिकल कंट्रोल में, एक्सोक्राइन की जरूरत हमको नहीं है। यस, thank you.